नमस्कार मित्रों, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ मनोज कुमार को अपने फिल्मी करियर में कुल कितने अवार्ड मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। मनोज कुमार जी को उनका पहला अवार्ड फिल्म उपकार के लिए मिला था। उपकार एक ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म थी और इसे कई नेशनल अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे। उपकार के लिए मनोज कुमार जी को बेस्ट मूवी अवार्ड, डायरेक्टर अवार्ड, स्टोरी अवार्ड और डायलॉग अवार्ड मिला। इसके अलावा वे बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेटेड हुए। इसके अलावा मनोज कुमार जी ने नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट सेकंड मूवी और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता। 1969 में मनोज कुमार जी फिल्म आदमी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नॉमिनेटेड हुए। 1972 में मनोज कुमार जी को फिल्म बेईमान के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। 1972 में फिल्म शोर के लिए उन्हें बेस्ट एडिटर का अवार्ड मिला। इसके अलावा वे फिल्म शोर के लिए बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड हुए। 1975 में मनोज कुमार जी को एक बार फिर से बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला फिल्म रोटी कपड़ा और मकान के लिए। इसके अलावा वे फिल्म फेयर बेस्ट मूवी अवार्ड और फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड हुए। 1976 में मनोज कुमार सन्यासी के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड हुए। 1999 में मनोज कुमार जी को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। मनोज कुमार जी को अन्य कई सारे स्क्रीन अवार्ड और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। 2008 में मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने उन्हें भारत रत्न के लिए नॉमिनेट किया। 2016 में मनोज कुमार जी को सिनेमा के सबसे बड़े अवार्ड दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया।